वन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नक या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करता अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम मौजूद नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका एमकेडी चैनल में खैर मकदम करता हूं। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के कुछ अहम खबरों पर। एक और मासूम बच्चा चैतन्यापुरी इलाके में घर के सामने खेल रहा था, कुत्तों का शिकार हो गया। वाज़ेह है नाज़रीन, कल ही अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में 4 साल मासूम बच्चा इन आवारा कुत्तों के हमले में फौत हो गया था। चैतन्यापुरी इलाके में जख्मी हो गए मासूम बच्चे की चीख व पुकार सुनकर उसके घर वाले वहाँ पहुँचे और कुत्ते को मार भगाया। तब तक लड़का शदीद जख्मी हो गया था, उसे फौरी तौर पर बगैर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो ज़ेरे इलाज है। शहर हैदराबाद के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में वेंकटेश्वरा मंदिर में चोरी की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद। कोई नामालूम चोर ने वेंकटेश्वरा टेंपल में चोरी करने की कोशिश कर रहा था, चोर पर टेंपल वॉचमैन की पड़ी नज़र। वॉचमैन चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, चोर ने इस दौरान वॉचमैन रंगैया पर किया हमला। जवाबी हमले में रंगैया ने चोर पर लाठी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में चोर मौके पर ही मौत हो गया। कुएं में गिरने वाली 80 साल खातून को बचा लिया गया, तेलंगाना के करीमनगर ज़िले में ये वाकया पेश आया। नींद की हालत में इत्तेफाकी तौर पर कुएं में गिरने वाली 80 साल मुअम्मर खातून को बचा लिया गया। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के मंदकूर ज़िले में पेश आया ये वाकया। ज़िले करीमनगर मंदकूर में रहने वाली मधुअम्मा मंगल की सुबह अपने ही मकान में वाक़े कुएं में गिर गई, मगर वक्त रहते इस खातून को बचा लिया गया। दो बीवियों की लड़ाई में निकली बंदो, फायरिंग में ताहिर खान नामी शौहर जान बहक। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक शख्स को मुबैना तौर पर दो बीवियों के दरमियान लड़ाई के दौरान गोली मार दी गई। पुलिस के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ताहिर खान की पहली बीवी अंजुम अपने बेटे और दीगर अफराद के हमरा घर पहुँची और ताहिर खान की दूसरी बीवी से झगड़ पड़ी। झगड़ा मजीद बढ़ गया, झगड़े के दौरान बंदूक से गोली चल गई, जिसके नतीजे में ताहिर खान मौके पर ही फौत हो गए। हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल की बैटरियों की चोरी में दो अफराद को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद के एबिड्स पुलिस ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल्स की बैटरियां चुराने वाले दो मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 5 लाख मालियाती, 26 बड़ी बैटरियां और 48 छोटी बैटरियां जब्त की गई। पुलिस को पता चला कि इनके खिलाफ चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन में 11 मुकदमा दर्ज है। बॉलीवुड गुलाकार सोनू निगम पर हमले का वाकया पेश आया। बॉलीवुड के मशहूर गुलाकार सोनू निगम पर जानलेवा हमला किया गया। यह हमला म्यूजिक कंसर्ट के दौरान किया गया। फौरन सोनू निगम को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सोनू निगम की हालत बेहतर बताई गई है। सोनू निगम ने इस वाकये की चेंबूर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं पुराने शहर के इलाके का है, जहां एक शादी का घर देखते ही देखते एक सेकंड में ही मातम कदा हो गया। हर कोने से रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। आप इस शख्स को देख सकते हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है, मगर अचानक गश खाकर नीचे गिर पड़ा और इनकी मौत वाक़ई हो गई, जिनकी शनाख्त रब्बानी के तौर पर की गई है। ए रब्बानी, क्या हुआ?